बात करूंगा जिंजर यानी अदरक के बारे में। हम समझते हैं कि अदरक हमारे पेट के लिए अच्छा है और बाकी का हमें पता ही नहीं। और अदरक में कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जैसा कि एब्डोमिनल पेन और इसके अलावा भूख का न लगना। तफसील इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बात करूँगा जिंजर यानी अदरक के बारे में कि कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए हम अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरक का कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और अदरक के कुछ ऐसे राज के बारे में बताऊँगा कि जिसके इस्तेमाल करने से हमें मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अदरक को हम पेट के कई बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि वोमिटिंग ठीक करने के लिए आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा नौज़िया को ठीक करने के लिए आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इनडाइजेशन में अदरक का इस्तेमाल मुफीद है। और अदरक मैदे के लिए और पेट के लिए काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि अदरक इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी नहीं है। और एक चीज़ याद रखो कि अदरक आप सलाद के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा सालन में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे अच्छा पानी में डालकर यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग नींबू के साथ इस्तेमाल करते हैं। असल में अदरक आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरक जो है जिगर के अंदर बाइल के इखराज में मदद करता है, जिसकी वजह से इनडाइजेशन में मदद मिलती है और हाजमा दुरुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से नौज़िया वोमिटिंग का मसला ख़त्म हो जाता है। अब अदरक के चार ऐसे फवायद के बारे में बात करूँगा जो आपकी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। तो अदरक जो है एंटी इंफ्लामेटरी है, यानी अदरक सूजश नहीं कराता, क्योंकि अदरक के अंदर ऐसे न्यूट्रन मौजूद है जो कि आपकी सूजश और इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने में मदद करता है। और इसके अलावा स्टडी से साबित हुआ कि जब सीने के इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और इस्तेमा और नज़ला ज़ुकाम के लिए नहायत मुफीद है। और इसके अलावा जिन लोगों को शुगर हो वो लोग अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अदरक इंसुलिन को कम करता है और शुगर के निज़ाम को कंट्रोल करता है। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो लोग भी अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ख़वातीन के एक बीमारी है जिसको मेंसेस कहते हैं, इस कंडीशन में पेन होती है, तो अदरक के अंदर एक ऐसे केमिकल मौजूद है जो कि दर्द को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। और जिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा दर्द होती है उनके लिए अदरक का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। और एक स्टडी से साबित हुआ कि मसल पेन हो या स्पाज़म हो तो ऐसी कंडीशन में आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बात याद रखो कि अदरक पेट की सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी कुदरती चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन सही तरीक़ा इस्तेमाल का आना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।